श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन सोमवार बीतते जा रहे हैं और जल्द ही आने वाली है 2 अगस्त के दिन श्रावण की शिवरात्रि, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं, ऐसे में गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा हर साल आपको ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं। तो ऐसे में जो सूची जारी हुई है शिवरात्रि की सामग्री की, वो मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और सामग्री की लिस्ट इसीलिए बहुत जल्दी शेयर कर रही हूँ कि एंड टाइम पे कुछ सामान कई बार हमें नहीं मिल पाता है। तो सामग्री की लिस्ट आप देख लीजिए। शाम को 7 बजे अभिषेक करवाया जाएगा, उससे पहले पहले आपको तैयारी कर लेनी है। 2 अगस्त के दिन श्रावण की शिवरात्रि पड़ रही है, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा शाम को 7 बजे से अभिषेक करवाएंगे। तो उन्होंने यही चीज बताई है कि 7 बजे से पहले पहले आप सारी चीजें अरेंज करके एक जगह व्यवस्थित होकर बैठिएगा, 7 बजे अभिषेक प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो हम सामग्री देख लेते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले है 1 लोटा जल आपको अभिषेक के लिए लेकर बैठना है। और मैं तो एक चीज यही बोलूंगी कि आप किसी बड़े बर्तन में अभिषेक के लिए जल लेकर बैठे। आगे भी जो चीजें हैं वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहूंगी। 21 दाने आपको गेहूं के लिए चाहिए, जो कि हमें वंश वृद्धि में कार्यरत होते हैं। इसके पश्चात 5 कमल गट्टे, अगर कमल के पुष्प मिल जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप 5 कमल गट्टे भी ले सकते हैं। इसके पश्चात चावल के 108 दाने आपको ले लेने हैं। ध्यान रखिएगा, दाने कहीं से भी टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, गिन के 108 निकाल लीजिएगा। काली मिर्च के 21 दाने। अब ये जो चावल के 108 दाने हैं, इनके अलावा भी आपको अलग से कटोरी में चावल रख के रखना है, क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं संकल्प में बीच बीच में हमें अक्षत की आवश्यकता पड़ती है, तो आप एक्स्ट्रा चावल लेकर बैठिएगा। और आगे वीडियो भी शेयर करूंगी, इसलिए परेशान मत होइएगा। काली तिल्ली जो होती है वो 1 चुटकी आप रख लीजिएगा। धतूरा 1 ले लीजिएगा। बेलपत्र 7, या फिर यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप 21, 51 या 108 बेलपत्र पे राम नाम या अपनी मनोकामना लिखकर भी अर्पित कर सकते हो। शमी पत्र आपको 7 चाहिए रहेंगे। गुलाब के फूल 7 ले लीजिएगा। गुलाब के नहीं मिलते हैं आसपास कोई भी सफेद फूल लगे हैं तो वो ले लीजिएगा, या ये भी नहीं मिलते हैं तो 7 आप अकाओ के फूल भी ले सकते हैं। गोल सुपारी आपको 3 चाहिए रहेगी। गोल सुपारी गोरा जी बनाने के लिए, गणेश जी के लिए, और 1 सुपारी संकल्प के लिए। जनेऊ, जो सफेद वाले जनेऊ आते हैं, वो 2 ले लीजिएगा। पीले जनेऊ का प्रयोग मत करिएगा, 2 सफेद जनेऊ लेकर आइएगा। इसके बाद में 2 घी के दीपक आपको रखने हैं। 1 दीपक जो पूर्ण रूप से पूजा में हम जलाते हैं, पूरी पूजा के जो हमारे साक्षी होते हैं, और 1 दीपक आरती के लिए। दोनों ही शुद्ध घी के होने चाहिए। शुद्ध घी नहीं है आपके पास तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। फल 5 ले लीजिएगा, या तो आप 5 अलग अलग फल ले सकते हैं, या एक ही प्रकार के 5 फल भी रख सकते हो। 5 अलग अलग ले लें तो बहुत अच्छी बात है, परंतु सबके बजट के अनुसार कई बार नहीं होता है हमारे पास में, तो आप 5 फल जैसे 3 केले रख लिए, 2 आम रख लिए आपने, या 2 एप्पल रख लिए, इस प्रकार से भी रख सकते हो। मिठाई अपने बजट के अनुसार, यदि आप घर पे कुछ भोग बना लो तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, तो आप मखाने की खीर बना सकते हो, साबूदाने की खीर बना सकते हो, सफेद रंग की कोई मिठाई ला सकते हो, प्रसाद में आप गुड़ मिश्री कुछ भी रख सकते हो जो आपसे बन पाए। इसके पश्चात इत्र की आवश्यकता रहेगी हमें। पीला चंदन, सफेद चंदन, जो भी चंदन आपको मिल जाता है, नहीं तो अष्टगन चंदन भी रख सकते हैं। मौली, जो हम हाथ में धागा बांधते हैं, जिसे मौली या कलावा बोलते हैं, जिन्हें हम वस्त्र स्वरूप अर्पित करते हैं। अब इसके पश्चात कपूर और धूप बत्ती आरती के लिए। लौंग, इलायची, पान के पत्ते कम से कम 5 रख लीजिएगा, क्योंकि मुख शुद्धि के लिए पान भी अर्पित किया जाता है, और जब हम संकल्प लेते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, तब भी पान की आवश्यकता हमें कई बार पड़ती है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीजें आप रख लीजिएगा। 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत भी तैयार कर लीजिएगा। 1 कटोरी अपने पास रख लीजिएगा, पंचामृत और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अलग अलग रख लीजिएगा। अब आप पूछोगे दूध के बारे में, तो दूध यदि आपको गाय का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं मिल पाता है देसी गाय का दूध, तो फिर आप जो भी आपके घर में दूध आता है, पैकेट वाला दूध प्लीज मत लीजिएगा, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। आप दूध आपको जो भी मिल पाता वो रख लीजिएगा। इसके पश्चात में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, जो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको एक्स्ट्रा में थोड़ा सा रखकर बैठना ही है। मेहंदी, चंदन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पीला चंदन, सफेद चंदन, या फिर अष्टगन चंदन, या लकड़ी वाला चंदन जो आपके पास है, जिसे हम पत्थर पे घिसते हैं, वो चंदन आप लेकर बैठिएगा। तो ये सारी सामग्री है, मगर इसके अलावा भी सामग्री लगती है, आप सभी जानते हैं, विशेष पूजन में। तो कौन सी सामग्री है वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूंगी।
ये सिर्फ सूची जारी करी है जो पंडित जी ने, वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी है, परंतु इनके अलावा भी कुछ सामग्रियां हमें पूजा में लगती हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। अब सबसे मुख्य बात आती है मिट्टी कौन सी लेना है हमें। मिट्टी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ब्राह्मण सफेद मिट्टी का प्रयोग करेंगे, क्षत्रिय लाल मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का और शूद्र काली मिट्टी का। और यदि इनमें से कोई मिट्टी आपको नहीं मिलती है तो सीधा सा आपके घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष हो वहां से काली मिट्टी लेकर आप शिवलिंग तैयार कर लीजिएगा। या आप अपना वर्ण नहीं जानते हैं या आपको अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी नहीं मिल रही है तो परेशान बिल्कुल ना हो, काली मिट्टी सभी में प्रयोग की जाती है। तो आप काली मिट्टी के शिवलिंग 7 बजे से पहले पहले तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पूजन 7 बजे शुरू हो जाएगा। तो सामग्री आपको सारी पहले ही रखकर बैठ जाना है। और अब क्वेश्चन जो आपका मुख्य था कि यदि 2 जोड़े पूजा कर रहे हैं तब क्या करना है, तो 2 जोड़े पूजा कर रहे हैं तो आप 2 थाली तैयार भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ही सामग्री को सब लोग हाथ लगा के चढ़ा सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है और सारी लिस्ट मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी, परंतु और भी कुछ चीजें हैं जो आपको आगे लगेंगी, तो वीडियो देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।